यह इकलौती हॉरर फिल्म है जिसे मैं अपनी आंखें खोलकर देखने की हिम्मत नहीं करता। वह महिला केवल कुछ मिनटों के लिए गई थी, लेकिन उसके लौटने तक उसका बेटा अलमारी से कुचलकर टुकड़े टुकड़े हो गया था। उसके सामने का दृश्य देखकर वह डर से पत्थर की तरह जम गई थी। सहज रूप से उसने अलमारी को खोलने और अपने बेटे को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन अलमारी पूरी तरह से अचल रही। इसके बाद से एडना को विभिन्न अजीबोगरीब घटनाएं अनुभव हो रही हैं। वह अक्सर काले कपड़ों में अपने सामने आकृतियों को देखती है उसके लिए, लेकिन जब वह उन्हें साफ देखने की कोशिश करती है तो वे तुरंत गायब हो जाते हैं। इस घटना को समझने से पहले एक और विचित्र घटना घटित होती है। शुरू में उसके पति ने अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार नहीं किया था और एडन के प्रति बहुत ठंडा व्यवहार करते थे। हालांकि आज रात उसके पति का व्यवहार बेहद असामान्य था। उसने अचानक अदनान को चूम लिया और मेशन अदनान की पिटाई करता रहा। बात यह है कि एडिसन दशकों पहले ही गुजर चुके हैं। एक प्रशासक खुद उससे कभी नहीं मिली है। उसका पति किसके बारे में बात कर रहा है? थोड़ी देर बाद एक के बाद एक होने वाली दस्तक ने उनकी बातचीत में व्यवधान डाल दिया। अदनान ने दरवाजा खोला और वहाँ उसके चिड़चिड़े पति को खड़ा पाया। लगता है यह वास्तविक है।